यूपी में बढ़ते बलात्कार अपराध के विरुद्ध सपाइयों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, यौन हिंसा, अवैध खनन, आवारा पशु आदि की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोमदी में जोरदार धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मोमदी को सौंपा। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर वरवर चौराहा से रामलीला मैदान पहुंचे, जहां धरना सभा को संबोधित करते हुए सपा एमएलसी शशांक यादव ने कहा कि रामराज के नाम पर सत्ता में आई भाजपा की योगी मोदी सरकार ने पूरे प्रदेश को पुलिस माफिया अपराधी गठजोड़ के जंगल राज में तब्दील कर दिया है। आज थाने अपराधियों और अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं तथा भाजपा नेताओं के अड्डे में तब्दील हो गए हैं। सपा नेता कांति कुमार सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में देवरिया से लेकर मुजफ्फरपुर तक बेटियों का व्यापार किया जा रहा है। खीरी में मोहम्मदी के रमुआपुर, पसगावा के वरवर व न्याय गांव जाट तथा मैगलगंज के गांव इच्छनपुरवा समेत पूरे जिले में हो रहे महिला हिंसा बलात्कारों ने पूरे तराई को झंझोड़ कर रख दिया है। नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। आई जाती है, दूसरी जो बच्ची है वो लाश फेंक के दी जाती है। 16-16, 17-17 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 4 महीने पहले मैगलगंज में एक निश्चित महिला से बलात्कार होता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोग को जो सबसे अधिक जो पीड़ा हुई है, जिस पर पार्टी उभर के आई है, पार्टी की तरफ से क्रांति सिंह जी और साथी भेजे गए थे कि आप इन घटनाओं का संकलन कीजिए कि क्या हकीकत है। तो सबसे दुखद बात है कि यहाँ पर वादी पक्ष को ही उत्पीड़ित किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया कि महिला है, आपको इसे जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि उन्होंने निर्देश दिए, लेकिन अभी तक की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।